लिया है तो इसे मैंने उधेड़ लिया है, तो इसके नीचे भी कपड़ा लगा हुआ है, तो मैंने इसकी भी सिलाई निकाल ली है। तो चलिए मैं इसको, मेरे पास एक पुराना पिलो कवर पड़ा है तो मैं इसको उसके साथ अटैच कर लेती हूँ, तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको ना इसकी स्टिचिंग करती हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैं सुई ले लूँगी, तो इसकी मैं तीन साइडें, इसको मैं तीन साइडों से यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ, इनका दिखाना सिर्फ। तो इसे हम इस तरह से चारों साइड से सिल लेते हैं। इस तरह मैंने एक स्टिच यहाँ तक सिलाई कर ली है, बाकी इधर मैं स्टिच करूँगी। ये पुराना पिलो कवर, ये इसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ, तो इसका बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ओल्ड पिलो कवर और पुरानी स्वेटर के साथ से क्या बना सकते हैं, तो भी मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। जब हम यहाँ सेंटर में पहुँचेंगे तो यहाँ हम प्लीट्स डाल देंगे एक, ताकि जो हमारा कपड़ा है ना वो इकट्ठा ना हो और एंड में कटिंग ना करनी पड़े। तो इस तरह हम पूरी स्टिचिंग कर लेते हो यहाँ से, इधर से यहाँ तक। तो इस तरह ये मैं एंड पहुँच गई हूँ, तो ये यहाँ पे स्टिच करके, तो इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे कट कर देंगे थ्रेड को। तो इसमें मैंने इसे काट दिया, तो इसे इसके देखिए एक पार्ट ये, और एक तो ये जो जिप है जो मैंने पिलो अटैच किया है इसके साथ जिप लगी है, इसका जो कवर है आप इसमें भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और एक इसमें भी सामान रख सकते हैं आप, और एक इसके नीचे जो लगी थी लाइनिंग इसमें भी। तो चलिए मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया, ये मैंने एक प्लेट्स डाल दी थी बीच में, तो इसको इस तरह ये बहुत सारे इसमें हम कपड़े रख सकते हैं आप, इसमें बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बन गई है, पुरानी स्वेटर यूज़ हो गई है और पिल्लो भी। और चलिए मैं इसमें आपको रख के दिखाती हूँ इसका यूज़ करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको। मेरे पास ना ऐसे कुछ कपड़े इतने पड़े हुए हैं कि जो कुछ आउट ऑफ फैशन है या जो मैं नहीं पहनती, जो जो सदियों से मैं 30 या 40 साल हो गए इनको संभाल के रखा है, तो इनको मैं इसमें फिलअप करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी इसे मैं कैसे इसमें एडजस्ट कर दूंगी सबको, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं ये वाली साइड में जो जिप वाली साइड है उसमें मैं पहले मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैं कपड़े इस साइड से रखूँगी, जैसे ये इतने ये अब पहन तो आउट ऑफ फैशन है, पर जब कभी फैशन आएगा तो हम इसे निकाल तो सकते हैं ना, इसलिए हम अपना इसमें सेफ भी रहेंगे। तो चलिए मैं भी आपको और भी सारे रख के दिखाती हूँ। तो मैंने एक साइड में काफ़ी सारे कपड़े रख दिए हैं, तो इसे मैं अब इस साइड में उल्टा लेती हूँ। तो अब इस साइड में मैं इस साइड में इसे मैं तो इसको मैं इसमें फिल कर देती हूँ, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ, तो इसमें इसी साड़ी को मैं तो ऊपर ऐड कर देती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारे रख। तो मैंने एक सेटिंग कर दी है, तो इधर मैं जो अंदर है ना तो इस जिप को बंद कर देती हूँ, तो मेरे काफ़ी स्पेस अभी भी बहुत स्पेस है, इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने तैयार कर दिया, तो यहाँ सेंटर में मैं ये यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ, क्योंकि नीचे तो जिप है तो यहाँ पे मैं इसे टांका लगा देती हूँ। ये मैंने ऊन से ही बनाया हुआ है, क्योंकि क्रोशिया से इसे फ्लावर सा, तो इसे हम इसके साथ यहाँ पे हम इसे पिनअप कर देंगे, तो ये खुलेगा नहीं।
से कि हमारा इधर से, और इसके अंदर अभी भी स्पेस है, ये सेंटर में बहुत स्पेस है, यहाँ पे नीचे भी सामान आ गया, यहाँ पे आप बहुत सामान भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है, इस तरह से बहुत ही सुंदर। तो वो स्वेटर से और बैक साइड में मैंने पिलो यूज़ किया है, तो ये बहुत ही अच्छा, आप इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं, और इसे आप एक साइड पे रख दीजिए, चाहे आप बॉक्स में रख दीजिए, तो बहुत सारा सामान आपका संभाला रहेगा। तो लीजिए इसे आप, वो